सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम हरे फूले सिंधी भाषा साहित्य जो प्रचार थिए साहित्यकारन जो जो वो सत्कार थिए नई पीढ़ी जा सिंधी जुआन तरक्की कन पहजी कौम देश जो नालो रोशन कन सिंधन जा सुंदर सपना साकार थियन सिंधु घाटी जावार सबेदार थियन रोशन आई देजी पीड़ पकी रख जे हर सिंधी तालीम वठी लायक बन जे सिंधी भाषा विकास परिषद सदा जिए अमर रहे राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद हरदम हले फुले अमर रहे सारे भारत के सिंधी भाई और सारे भारतीय बंधुओं और बहनों का हार्दिक स्वागत है 14 अगस्त के पावन दिन और कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन 14 अगस्त को जो कुछ हुआ जो जिस बात को हम याद करते हैं उस अखंड भारत को याद करते हैं उस भारत को याद करते हैं जहां से हमारे भाई बहन वहां से निकाले गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां पढ़ के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है सपने सच होने बाकी है राखी की शपथ अधूरी है जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई वे अब तक खाना बदोश गम की काली बदली छाई हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज ना आती तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया पख्तूनों पर गिलगित पर गमगीन गुलामी का साया बस इसीलिए कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है कैसे उल्लास मनाऊँ मैं थोड़े दिन की मजबूरी है। केवल इतना कहना चाहूँगा कि पावन दिन है और ईश्वर की कृपा से और हमारे समाज के संगठन से यह हुआ कि CAA का बिल आया हमारे जो पाकिस्तान में फंसे हुए सिंधी भाई बहन और दूसरे सारे अन्य हिंदू उनको शरण देने का एक साहसी कदम और एक पुराना विश्वास जो हमारे लिए था वो ये सरकार लाई। इसके लिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पावन और बहुत ही यादाश्त दिन रह गया और कुछ डर तो हमारा कम हुआ। इस कार्यक्रम को करने वाले नेशनल काउंसिल फॉर सिंधी लैंग्वेज प्रमोशन और बांद्रा हिंदू एसोसिएशन इनकी ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह जो NCPSL संस्था है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और सिंधी भाषा के संस्कृति और भाषा के प्रसार प्रचार के लिए काम करती है। 26 सालों से कार्यरत है और हजारों लोगों को इन्होंने सिंधी भाषा सिखाई है और संस्कृति की पहचान करवाई है क्योंकि एकमात्र यही एक हमारे बंधु भगिनी है जिनका कोई भी हिस्सा भारत में नहीं आया तो ऐसे लोगों को जोड़कर रखने के लिए बहुत जरूरी काम कर रही है। बांद्रा हिंदू एसोसिएशन जिसके कर्ता धर्ता अजीत मनियाल जी हैं जो अपने आप में एक संस्था है 102 सालों से काम कर रही है और एक NGO है और जब भी समाज में कोई भी संकट आता है उस संकट की घड़ी में ये संस्था खड़ी रहती है बहुत सारे सेवा के उपक्रम चलाती है और हमेशा समाज को सहायता के लिए तैयार रहती है। तो इन दोनों की ओर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुदेश भोसले जी के गायन से होगी। सुदेश भोसले जी को कौन नहीं जानता अपने सुर में बड़ा सुंदर गाते हैं न केवल लोगों के लिए लोगों की आवाज़ में गाते हैं
बल्कि लोगों के लिए अपनी आवाज भी उनके लिए बदलते हैं। ऐसे बहुगुण प्रतिभा संपन्न श्री सुदेश भोसले जी का स्वागत है। सुदेश भोसले जी, नमस्कार। मेरी ओर से सभी सिंधी भाइयों बहनों को पूरे विश्व के सुदेश भोसले का आदर भरा प्रणाम। और मुझे ये जो सम्मान दिया है, मैं आप सबका, सभी महानुभाव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस अवसर पर मेरा पहला गीत प्रस्तुत करता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गरूर दम है गुरूर विष्णु गुरूर देव महेश्वरा गुरूर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पेक्ट्रम की
सुदेश जी, इस कार्यक्रम की इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। इतना प्रेरणादायी, इतना शुभ गीत जिसके अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपने इतना सुंदर गाया, हम सभी की ओर थैंक यू से, थैंक भारत भर के दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्वागत करता हूँ मशहूर लॉयर श्री महेश जेठमलानी जी का और माननीय इंद्रेश जी का, और साथ ही इस कार्यक्रम के जो प्रमुख अतिथि और अन्य जितने भी हमारे आज के कार्यक्रम के हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। एक बार सभी अपना अपना श्री मुख दिखाएंगे। श्री प्रताप, डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, डॉक्टर अनुजा वारानी जी, श्री शंकर लालवानी जी और डॉक्टर अजीत मन्याल जी, सभी का सर नमस्कार जी का स्वागत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए महेश जी का मैं स्वागत करता हूँ। महेश जेठमलानी जी का परिचय वास्तव में आवश्यक ही नहीं, देश के जाने माने निडर ऐसे राम जेठमलानी जी स्वर्गीय, जिन्होंने अपनी अपनी शर्तों पे जिंदगी जी, ऐसे महान पिता के एक बहुत अच्छे सपूत, MA ऑक्सफोर्ड से किए हुए और बार एट लॉ और लेक्स ज्यूरिक्स नाम की पत्रिकाएं चलाते हैं, BJP के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं और कई मशहूर केस जो दुनिया की हेडलाइन बने, जिनमें अंतुले जी का केस है, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, जनरल वैद्य के असैसिनेशन, संजय दत्त, हर्षद मेहता, केतन मेहता, टाटा टी, विश्वजीत राणे, बिरला फैमिली, अनिल अंबानी, साध्वी प्रज्ञा, मिसिज रजनी पाटिल, ऐसे अनेक जाने माने व्यक्तियों के ऐसे विश्व भर में ख्यात हुए ऐसे केस इन्होंने लड़े हैं। अभी ये कुछ समय इंद्रेश जी से बात करेंगे। माननीय इंद्रेश जी का परिचय कराऊँ तो वास्तव में बहुत लंबा परिचय है, थोड़े में करने की कोशिश करूँगा। माननीय इंद्रेश जी BE है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 10 साल से 1959 से RSS के स्वयंसेवक बने, 1970 में प्रचारक निकले दिल्ली में, 1970 से 1983 1970-1983 वो प्रचारक। विशेष बात ये है, जिस देश के अंदर कोई सपूत जब घर छोड़ता है तो माँ बाप रोते हैं कि मत जाओ मत जाओ, संस्कार संसार चलाओ, उस समय इनकी माता जी ने इनके जाने की खुशी में एक सामूहिक भोज रखा था। ऐसा आदर्श इन्होंने स्थापित किया कि देश के लिए निकलना कितनी अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 1983 से 2000 तक इंद्रेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम जानते हैं जो समय था कि टेररिज्म का पूरा जोर जो था उस समय, इंद्रेश जी वहाँ थे, गांव गांव घूमते थे, निडर होके कई धमकियाँ मिलती थी और कई कार्य इन्होंने किए। आज के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है, केंद्र वाराणसी है, सीमांत जन का जल सीमांत कल्याण संस्थाएं, हिंदू जागरण मंच, पूर्व सैनिक परिषद और मिशन राष्ट्रीय मंच जैसे कई संस्थाओं के पैटर्न हैं। कई पुस्तकें इनके भाषणों पर बनी हैं, इन्होंने खुद पुस्तकें लिखी हैं। सेवा कार्य में जम्मू कश्मीर का बाढ़, बिहार की बाढ़, दिल्ली की बाढ़, हर क्षेत्र में काम किया है। रमज़ान के समय मुस्लिम समाज को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, गंगा नदी साफ करने के लिए जन जन को जागृत किया है। भारत नेपाल परिषद, धर्म संस्कृति संगम, सारनाथ में बौद्ध और न बौद्धों के अंदर संवाद करने के लिए ऐसी कई संस्थाओं का स्थापन किया। फ्रिंस नाम की संस्था का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए स्थापन किया, भारत तिब्बत सहयोग मंच बनाया, हिमालय परिवार, लेह लद्दाख उत्सव, हिंदू उत्सव इसको शुरू करने में बहुत बड़ा हाथ है, अरुणाचल के अंदर परशुराम कुंड यात्रा करके उसको सारे भारत से जोड़ने का काम इन्होंने किया है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के को प्रोत्साहन देने से मुस्लिम परिवारों से 10.5 लाख लोगों से गौ रक्षा के लिए सिग्नेचर लेने का अभिनव प्रयास उस समाज ने किया। ये सब काम करते हुए भी इंद्रेश जी का पठन, उनका अभ्यास बहुत गहरा है और जब वो मुस्लिम लोगों से कुरान के संबंध में, हदीस के बारे में बात करते हैं तो बड़े बड़े मौलवी चौंक जाते हैं। ऐसे श्री इंद्रेश जी के साथ महेश जी बातचीत शुरू करेंगे। आप दोनों का स्वागत। प्रणाम इंद्रेश जी। हाँ हेलो, मेरी तरफ से आपको ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। मैं मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट हो गया लेकिन इस समय तो मुंबई में हूँ, परिवार यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट अच्छा। बंद है तो मैं यहीं पे हूँ इस समय। ठीक, बहुत बहुत दिनों के बाद इंद्रेश जी।
बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। अब आप प्रारंभ करिए, आपके शब्द सुन लेंगे सब लोग। महेश जी आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इंद्रेश जी से कुछ आपके प्रश्न हो तो, शायद महेश जी का माइक जब तक नहीं जुड़ता मैं आशीष जी का परिचय करवा दूं। आशीष, एडवोकेट आशीष शेलार, ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत मशहूर और बहुत बड़े नेता हैं और बचपन से संघ से जुड़े और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया कई वर्ष तक, मुंबई के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी रहे और उस समय रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक मोर्चा निकला था, मैं भी उसका विटनेस था, 1,00,000 विद्यार्थियों का मोर्चा मुंबई में, अब कभी भी नहीं निकला ऐसा उन्होंने मोर्चा निकाला, उसके प्रमुख थे। ठिया नाम का जो एक एजिटेशन चला बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीचर्स का, उसको इन्होंने लीड किया। मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के नेता रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे मुंबई के, और बहुत सफल कॉरपोरेटर, इतने कि इनको HRD मिनिस्ट्री ने इन्होंने बाद में उनके लिए एक BST के अंदर HRD डिपार्टमेंट 100 साल से नहीं था, ये आश्चर्य की बात है, HRD डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। और लैंड अलॉटमेंट के कई घोटाले के लिए महाराष्ट्र पहले बहुत से मशहूर है, महाराष्ट्र में ज़मीन से कीमती कोई चीज़ नहीं है, उस कई ज़मीन घोटालों को पकड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एकमात्र कॉरपोरेटर है जिनको USA में इन्वाइट किया गया यंग लीडर के नाते, और 25वां वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ मुंबई में यादगार, उसकी स्वागत समिति के प्रमुख थे, मुंबई कल्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, शॉर्ट्स में भी बनवाते हैं, MLC थे और अब MLA है, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स थे पिछली मिनिस्ट्री में, और उम्मीद करता हूँ जल्दी फिर बनेंगे। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद बड़ी तकलीफ से उठकर आए हैं, तो मैं आशीष जी का स्वागत करता हूँ, और महेश जी नहीं जुड़ सके किसी टेक्निकल इशू के कारण, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आशीष जी, फ्लोर इज ओपन एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन हैव डिस्कशन विद इंद्रेश जी एज लॉन्ग एज ही हैज टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद रतन शारदा जी, आपने इतना बढ़िया मेरा परिचय करके दिया, शायद मैं इस परिचय के लायक हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, और इंद्रेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का, वार्तालाप करने का मौका मिला है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजन में NCPSL और बांद्रा हिंदू एसोसिएशन और बाकी सभी संस्थाओं ने जो योगदान दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और अखंड भारत दिवस, इस प्रकार का अखंड भारत स्मृति दिन हम लोग आज यहाँ पर उस विषय में इकट्ठा हुए, तो इंद्रेश जी मैं आपसे कुछ वार्ता गोष्ठी करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति है तो। बिल्कुल, पक्का कर सकते नहीं, आज का दिन दुनिया में हर प्रकार से अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, कई लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस है। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था तो कई लोगों ने ये भी लिखा है कि आज के दिन भारत की विभाजन न हो या भारत का विभाजन होने के कारण करीबन 40,00,000 तक हिंदुओं की हत्या हुई, इस प्रकार से भी दुख को मनाने, दुख को संजोगने का और उनकी स्मृतियों को याद करने का दिन भी है, इस प्रकार की भी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से है। हम सब लोग ये जानते हैं, हम हमारा मत तो जरूर रख सकते हैं, रखते भी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जो वक्तव्य हर कोई करेगा वो स्वयं ही उस वक्तव्य का स्वाभाविक का उत्तरदायी भी होगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कोई भी भावना या कोई भी विषय के बारे में अस्वाभाविक प्रतिक्रिया न चाहते न देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अखंड भारत संकल्प दिन इस कार्यक्रम का शीर्षक है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जब हम 2020 में बैठे हैं,
तो ये अखंड भारत संकल्प का मतलब सही मायने में समाज में क्या जाना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ अपने विचारों को प्रदर्शित करें। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और बड़ा व्यवहारिक प्रश्न किया, इसके लिए आपको बहुत 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 बधाई। आज भारतीय क्यों आवाज ठीक से आ रही है? आ रही है। भारतीय सिंधी परिषद व अन्य अनेक संस्थाओं द्वारा आयोजित यह तरंग कार्यक्रम अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में है। मैं अपने लगभग पूरे वक्तव्य को इस बीच में रख देता हूँ, छोटे में। भारत दो तीन प्रश्न और भी साथ ही कर दीजिए, वो उसी में कवर कर लूंगा। नहीं नहीं, आप पूरा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। ऐसा है कि भारत के पास विश्व से दो श्रेष्ठ मान्यताएं रही हैं और उसका कस्टोडियन आज भी भारत है, कोई और बन नहीं सकता। ज्ञान में, विज्ञान में और चरित्र में भारत को लोगों ने केवल मुखिया नहीं विश्व का माना, उसको विश्व गुरु रूप में मान सम्मान भी दिया। तो इसके लिए कमेटी नहीं बनी थी, ऑटोमेटिकली इट हैपेंड इन द वर्ल्ड। दूसरा, विश्व ने यह भी मान्य किया, वो अल्ब्रूनी होगा कि वास्को डिगामा होगा, मैक्सथनीज होगा, फाइयान होगा, ऐसे सैकड़ों विश्व भर के अनेकों अनेक सभ्यताओं के विद्वान लोगों ने भी अपने कथन में, पुस्तक में इनको लिखा है, भारत सोने की चिड़िया है। इन दो वाक्यों को और दो शब्दों को, दो टाइटल को मोटे से मैं कहना हूँ, पहली बात, भारत इसके अंदर बिना छत के कोई नहीं था, बिना रोटी और रोजगार के कोई नहीं था, भूखे पेट सोता कोई नहीं था, कर्ज में कोई नहीं था। अगर अतिथि आ गया तो लोग कहते हैं हाथ धुलाने के लिए पानी खूब होता था, पर भोजन में दूध, दही, घी और ऐसे नाना प्रकार के फलों के रस, जूस, ये उसको प्रस्तुत होते थे, मिलते थे। क्या झोंपड़ी में रहने वाला आदमी था, क्या महल में था, क्या रंक था, क्या राजा था, घरों को लोग ताला नहीं लगाते थे, इसलिए चोरी, अपराध, इस जैसी हिंसा और अन्यायपूर्ण वृत्ति, अपराधपूर्ण वृत्ति नहीं थी। ये दुनिया ने लिखा है, भारत, भारतीय और भारतीयता के बारे में लिखा है। ज्ञान विज्ञान में इतने श्रेष्ठ थे, सदाचार था कि जैसे एक घर का परिवार होता है, माता पिता के संतान भाई बहन होते हैं, इसी प्रकार से एक मातृभूमि की समाज होता है, वन नेशन वन पीपल के रूप में होता है, इसी तरह से विश्व भी एक परिवार है, वसुधा, मदर अर्थ, धरती माता, ये माता पिता रूप में हैं और हम सब इसके पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसे संस्कृत में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम। और इस प्रकार से भारत के पास विश्व के सर्वाधिक विश्वविद्यालय थे, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रम हो, शारदा हो, ऐसे अनेकानेक विश्वविद्यालय थे। उस समय भारत से बाहर शायद चीन प्रयत्नशील था कोई विश्वविद्यालय चले, बाकी यूरोप और अफ्रीकन, इन देशों के सब बच्चे भारत में ही विद्या अध्ययन के लिए आते थे। इसलिए ज्ञान और विज्ञान कितना समृद्ध था। जब मुगल, तुर्क, तार्तर आक्रांता आए, उन्होंने इस ज्ञान और विज्ञान को भस्म किया
तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दुनिया ने लिखा कि 6 महीने तक उसमें से आग के लपटे भी निकलती रही और जगह जगह जलने का धुआं भी निकलता रहा। इतना समृद्ध था, इतना विशाल था, यह लोगों ने लिखा है, हमने उन्हीं में पढ़ा और लोगों से सुना है, ऐसा था। इसलिए विश्व के अनेकानेक देशों में और संस्कृतियों में भारत की ज्योग्राफी को उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद् भारत नाम भारती यत्र संतति, ये श्लोक भी उद्धृत किया है। उत्तर के अंदर तिब्बत जो दक्षिण पठार था, उत्तरी पठार था, पर हिमालय का दूसरी ओर का पठार था, वहाँ से लेकर हिंद महासागर, इंदू सरोवर भी जिसको कहा गया, वहाँ तक, और पूर्व और पश्चिम में जहाँ हिमालय और महासागर मिलते हैं, और इस प्रकार से वह एक भूगोल इंडोनेशिया था पूर्व में, दूसरा भूगोल फारस की खाड़ी जिसको ईरान और फारसी देशों का समूह भी कहा जाता, ये था। आज उस समय इसके अंदर 1400 से अधिक गणराज्य थे, पर सब मिलाकर ये महान भारत कहलाता था, महाभारत कहलाता था। परंतु यह भी एक सत्य है, आज इसमें 54 से अधिक छोटे बड़े देश हैं। इन सब के ग्रंथों में भारत की जो महिमा लिखी है, भारतीय और भारतीयता के बारे में जो लिखा है, बहुत उत्कृष्ट है। परंतु आज का ये सत्य बदला है, कभी का ये सत्य आज बदल कर दूसरा सत्य भी हमारे सामने है। इसलिए केवल यही सत्य जो आज है ये असत्य है, कभी वो भी एक सत्य था, साक्षात था, आज ये भी एक सत्य और साक्षात है। इसलिए लोगों को उनमें जीना और इस रूप में जीना कि हम सौहार्द के रूप में जिए, यह एक पक्की बात है। दूसरी बात कहूँगा कि पिछले 3,500 वर्ष में महाभारत काल के 2,000 वर्ष बाद फिर से दोनों दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर युद्धों का सृजन हुआ। यूनानी, रोमन, मिस्र, इनकी सेनाएं सजी और इन्होंने दुनिया को रौंदना शुरू किया, ये भारत से भी टकराए, और इसलिए दुनिया में गीत बन गया, यूनानी, रोमन, मिस्र सब मिट गए जहाँ से। तो हमारी हस्ती है जो आज भी जिंदा है, ये हमने नहीं बनाया, बल्कि बनाया उसने जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया हुआ था, और गाया उन्हीं लोगों ने, और विश्व ने इसको कभी ये नहीं कहा इट इज एन रॉन्ग स्टॉप दिस सॉन्ग, ये नहीं किसी ने आज तक चार्ज किया। इसके बाद फिर शक हून कुशान आए, जब शक हून कुशान आए तो वह भी बर्बर आए, लूटने और की मानसिकता से आए, तो दुनिया के अंदर सारे हिस्टोरियन ने लिखा शक हून कुशान समाज भी थे, सभ्यताएं भी थी, शक्तिशाली भी थे, समृद्ध भी थे, परंतु आश्चर्य ये है भारत की तरफ ये बढ़े तो भारत ने इनको पराजित ही नहीं किया, आत्मसात कर लिया। इसलिए इतिहास के अंदर शक कुशान हून आदि आदि सभ्यताओं के नाम हैं, समाजों के नाम हैं, पर एक भी व्यक्ति, कोई कह दे पूरे विश्व के 780 करोड़ लोगों में ये शक समूह है, ये हून समूह है, यह कुशान समूह है, ये मायन संस्कृति का समूह है, इनका कोई भी मिलता नहीं है। कहते हैं कि भारत ने इन सबको मानवता के और उत्तम मार्ग पर ले आए, इसलिए इनके नाम इतिहास में हैं, परंतु आज जन नहीं मिलता है, यह भी एक सत्य है। इसलिए इनके आसुरी आचरण को मानवीय आचरण में परिवर्तित करने का एक असंभव कार्य भारत ने कभी उस समय किया। उसके बाद विश्व के अंदर जूडिज्म आ चुका था, उसी के साथ साथ भारत में भी अनेक मत पंथ आ गए थे, बौद्ध, जैन मत आदि, फिर ईसाइयत आ गई थी, इस्लाम आ गया था, तो मुगल, तुर्क, तार्तर आदि आक्रांता बनकर दुनिया में गए, उन्होंने पूजा स्थल ध्वंस किए,
मान बिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, और इतना ही नहीं है, उन्होंने वहां से लूट कर अपने आप को समृद्ध किया, और इस प्रकार का दिखाई देता है। और 30,000 से अधिक पूजा स्थल, इसलिए चाहे राम जन्म स्थान हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अन्य अनेक स्थान हो, ताजमहल जहाँ बना वो स्थान हो, कहीं ना कहीं उनकी नीम बोलती है उनका सत्य क्या था, उनका इतिहास बोलता है उनका सत्य क्या था। आज इसके लिए रक्तपात करने की जरूरत नहीं है, और उस सत्य को समझकर समस्या का समाधान करना, यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन आक्रमणों के बीच में जो सबसे विचित्र हुआ, जितना भी ज्ञान विज्ञान के विश्वविद्यालय थे और महापुरुष थे, ऋषि मुनि शोधकर्ता विद्वान थे, उन सबका कत्लेआम हुआ। इसी प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपचार विधियां थी वो नष्ट की गई, उद्योग, राज, रोजगार, भुखमरी से मुक्ति और विकास के लिए जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रीज थी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर थे वो सब नष्ट किए गए। और दुर्भाग्य ऐसा है, इन्होंने मकबरे तो बनाए परंतु हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रीज में एक भी और फाउंडेशन स्टोन नहीं ले किया, ना निर्माण की। यह गौरी गजनी से लेकर औरंगजेब और उसके बाद बहादुरशाह जफर तक एक स्पष्ट इतिहास दिखाता है कि विदेशी थे, आक्रांता थे, धर्मांतरण किया, धर्म में लोग लाए, उनको गुलाम बनाकर भारत के अंदर मजबी कट्टरता और हिंसा को जन्म दिया, विध्वंस को जन्म दिया। यह एक दृश्य साफ दिखता है, कोई विकास कार्य, कोई शिक्षा कार्य, कोई स्वास्थ्य कार्य, कोई न्याय प्रक्रिया का कार्य, कोई रोजगार का कार्य, समृद्धि और विकास की दिशा के अंदर लोग बढ़े, इसका कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया, ये साफ दिखता है। केवल ध्वंस ध्वंस ध्वंस, आपस में नफरत, क्रोध, हिंसा, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर ब्रिटिश आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, उन्होंने शुरू किया और 1947 तक वो गए। मैं एक पृष्ठ बता चुका हूँ, भारत कहाँ से कहाँ था, तिब्बत से लेकर हिंद महासागर, हिंदू सरोवर तक, फारस की खाड़ी, ईरान से लेकर इंडोनेशिया, जैसे कश्यप सागर शुरू होता है कैप्शन से, वहाँ तक यह भूगोल था। मैं थाईलैंड गया, इंडोनेशिया गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, वहाँ के लोगों ने बहुत साफ शब्दों में कहा, नेपाल गया, भूटान गया, इन सब ने बड़े साफ शब्दों में कहा, वी नो भारत, लेटर ऑन वी केम टू नो हिंदुस्तान। इसलिए हमारे ग्रंथों में भारत है, हमारे ग्रंथों में इंडिया कहीं नहीं है। जब हमें कोई आकर इंडिया कहता है तो हमारा ज्ञान एकदम छटपटाता है, तिल मिलाता है, क्योंकि हमने वर्षानुवर्ष जिस ज्ञान को पढ़ा, उस ज्ञान के अंदर इंडिया और इंडियन शब्द है ही नहीं। इसलिए हमारे मस्तिष्क को लगता है कि ये कौन सी नई विशेषता और विदेशीपन उभर आया, जो संस्कृत में नहीं है, पाली में नहीं है, प्राकृत में नहीं है, हमारी लोकल भाषा बोलियों में नहीं है, ये कहाँ से आ गया। और ऐसा मुझे वहाँ के बुजुर्ग श्रेष्ठ विद्वानों ने भी इन बातों को कहा। और इसके बाद ब्रिटिश आए और उन्होंने भी इस देश के अंदर जो किया, उन्होंने ये करते करते ये तय कर दिया कि भारत सपेरों का, पिछड़ों का, गरीबों का, भूख का, प्यास का और अपराध का भारत है, जहाँ जातियाँ अनेक हैं, मत पंथ भी अनेक हैं, भाषा भूयाँ भी अनेक हैं, इसलिए इसमें फुल ऑफ डिफरेंसेस है, सो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है। इस प्रकार का उन्होंने प्रपोज किया और स्थापित करने का प्रयत्न किया, जबकि सत्य ये था, भारत इंटेग्रेटेड रूप से एक था, खिला वो अनेकता और विविधताओं में था, ना कि भिन्नताओं में और डिफरेंसेस में था। इसलिए उन्होंने बना दिया भारत के लेफ्ट, पश्चिम से प्रभावित सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट लेखकों ने
गीत बना दिया, तार में आते चले गए, भारत बसता चला गया। इससे बड़ा असत्य, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा गलत ना कोई कथन था ना हो सकता है। यह एक बिल्कुल और मुखर सत्य है, और इसलिए आज उसकी चर्चा करते करते हम आएंगे तो ध्यान में आएगा कि 14-15 अगस्त जो आया 1857 में, जब मुगलों से ब्रिटिशर्स ने सत्ता छीन ली भारत में, अनेक भारतीय गणराज्यों को भी ध्वंस किया, और उनका प्रथम वायसराय 1858 में कलकत्ता में आकर बैठा, उसके पीछे जो हिंदुस्तान का भारत का नक्शा लगा था, और वह लेटिन नक्शा था शब्दों में, उस पर लिखा था 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब जो भारत है वो कितना बना, इसका भी एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। 1947 में भारत के तीन राजनीतिक स्वरूप थे। एक भारत था ब्रिटिश रूल, जिसको भारत, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान, पंडित नेहरू, कांग्रेस, हिंदुस्तान के रूप में बांट दिया गया, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बना। दूसरा भारत था जो ब्रिटिश रूल्ड नहीं था, 562 रियासतें थी, जिसके अंदर फैसला ब्रिटिशर्स, लीग, कांग्रेस और प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स के प्रतिनिधियों में हुआ कि ये स्वतंत्र नहीं रहेंगी, पाकिस्तान या हिंदुस्तान ज्वाइन करेंगी, इनमें जनमत संग्रह नहीं होगा, इनका रूलर डिसाइड करेगा। 555 रियासतें इनका भारत में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ, 7 रियासतें यह पाकिस्तान को ज्वाइन की। इसका दोनों का मिलाकर ब्रिटिश रूल्ड और इस प्रिंसली रूल्ड स्टेट में से भारत का विस्तार हुआ। दूसरा भारत ये 1949 तक स्थापित हुआ। फिर एक तीसरा मर्जर भारत में हुआ जो पुर्तगीज और फ्रेंच के अंतर्गत गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडेचरी, कृष्णा नगर, यामा था। ये 1961 तक सब मुक्त करवाए गए, और 33 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत सन 1961 में हमें उपलब्ध हुआ। यह सत्य ठीक से जानना चाहिए। इट इज नॉट ड्यू टू द मर्सी ऑफ द अंग्रेज या देयर क्लेवरिटी ऑफ द अंग्रेज, उनकी कूटनीति धूर्त नीति का नहीं है, भारत के अपने पुरुषार्थ और शौर्य से भी है, वो भारत मिला। प्रश्न खड़ा होता है 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर 1858 में, फिर 33 लाख वर्ग किलोमीटर भारत, इसको ब्रिटिश हुकूमत ने 9 बार तोड़ा और 10 से अधिक देश हमारे चारों तरफ उसने खड़े किए, और 1874-76 में अफगानिस्तान, 1904-06 में भूटान और नेपाल, 1914 के अंदर तिब्बत, 1935-37 में म्यांमार और श्रीलंका, और 1947 में जिसको पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान और मालदीव कहा गया। लोग मालदीव को क्यों भूल जाते हैं, कि वो भारत से कब अंग्रेज ने चुपचाप अलग किया, दैट वाज 14-15 अगस्त 1947, और वह पाकिस्तान अपने अपराध के कारण फिर टूटा 1971 में, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। इसलिए मैंने एक भारत का स्वरूप 5200 वर्ष पूर्व का बताया, एक भारत का स्वरूप मैंने घटते कटते करते 1857-58 का बताया, एक स्वरूप मैंने आज का बताया। पाक के एग्रेशन हुए, चीन का एग्रेशन हुआ, वी लॉस्ट मोर देन 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर टू पाकिस्तान एंड चाइना। अब भारत के पास 31 से 31.5 लाख वर्ग किलोमीटरों का भारत बचा है। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या भारत ने अपनी खोई हुई चीजों को और अस्मिता को प्राप्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इसलिए विश्व जनमत ये कहेगा कि प्राप्त करना चाहिए, तो नथिंग इज रॉन्ग जब हम अखंड भारत संकल्प दिवस कहते हैं। इसलिए भारत अनेकों गणराज्यों का था, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भारत एक था, एक है, एक रहेगा।
मैं इसकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक अभिरुचि में जन्मूंगा। पूरा विश्व जब ईश्वर को जानने के लिए जीवन में तरह तरह के ज्ञान विज्ञान के शोध करने के लिए शांति के मार्ग से अध्ययन करता है, तो कभी आपने नहीं सुना होगा किसी जंगल में और पहाड़ में वह यूरोप के गया, अफ्रीका के गया, कहीं और गया। पूरा विश्व जब भी आया है तो भारत और हिमालय के जंगलों और पर्वतीय क्षेत्र में आया, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान के ईश्वर से साक्षात्कार के महत्वपूर्ण स्थल थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसे ज्ञान और विज्ञान की गहराइयां किसी के पास भी आपको आज तक उपलब्ध नहीं होंगी कि वहां जाकर उसको करें। तो इस प्रकार ये भारत था, और लोगों ने लिखा, लोग घरों को ताला नहीं लगाते थे, परंतु आज जिन दो बातों का और उत्तर आशीष जी के प्रश्न में देना आवश्यक है उसको मैं जरूर कहूँगा, वह ये था कि हमने जितने भी आक्रांता आए, विध्वंसक आए, विद्वत्ता के रूप में आए या सेनानियों के रूप में आए, वह महाराजे के रूप में आए, आक्रांताओं के रूप में आए, चाहे वो कूटनीतिज्ञों के रूप में आए, भारत कभी शांत नहीं बैठा। अपनी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, शिक्षा, विकास, रोजगार के लिए हमेशा वो संघर्षरत रहा है। वह किस किस रूप में दिखाई देता है, सन 47 से लेकर आज तक भी दिखाई देता है, सन 47 से 1857 तक भी दिखाई देता है, 1857 से लेकर वह 700 तक भी दिखाई देता है, और वह 700 से पूर्व बीसी जाएंगे तो 1000 साल के पूर्व भी दिखाई देता है। हमने दुनिया को पराजित भी दिया, मार्ग भी दिखाया, हमने अपनी तरफ से 3,500 वर्ष नहीं, 5,000 वर्ष, 5,000 नहीं, हजारों हजार वर्ष में ना कभी सैनिक आक्रमण किया है, ना विस्तारवाद किया है, ना किसी पर हमने अपने आप को थोपा है। यही हमारे चरित्र की सर्वाधिक श्रेष्ठता है। इसको दुनिया ने कमजोरी नहीं समझना चाहिए, इसको मानवता की श्रेष्ठतम अवधारणा को मानने वाला समाज मानना चाहिए। एक बार दुनिया में ध्यान में रहे कि विश्व में जब मानव आता है तो वह मानव कहलाता है, जब विश्व में मानव आता है तो उसकी आइडेंटिटी ये डिफरेंट ग्रुप्स में होती है। अमेरिका ब्रिटेन का आदमी ईसाई, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट नहीं, ब्रिटिश और अमेरिकन कहलाता है। इसी प्रकार से ईरान, अरब और तुर्किस्तान का आदमी मुस्लिम, इस्लाम मतावलंबी, शिया सुन्नी नहीं, वह ईरानी, अरबी और तुर्की कहलाता है। इसी प्रकार से चीन, रूस का आदमी कम्युनिस्ट, वह माओवादी, नक्सलवादी नहीं कहलाता है। ऐसे ही लाओस, वियतनाम, जापान का आदमी वह बौद्ध, महायानी, थ्योरवादी नहीं, जापानी और वियतनामी कहलाता है। हमारे भारत के लिए भी यह विश्व का एकमात्र नियम लागू होता है। आर्यव्रत से हम आर्य कहलाते हैं, भारत से हम भारतीय कहलाते हैं, हिंदुस्तान से हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हिंद से हम हिंदू कहलाते हैं, और नया लेटेस्ट नाम इंडिया आया तो उससे हम इंडियन कहलाते हैं। इसलिए ये पांचों शब्द आर्य, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू और इंडियन, ये पूर्णतया पर्यायवाची हैं, समान हैं, यह समानांतर नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल घुटे मिले हुए हैं। इसमें से किसी को भी संकुचित और सांप्रदायिक कहना या तो राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र है, या अज्ञान है, या असत्य के अपराध से वो ग्रस्त हैं। यह सारे देश के संदर्भ में राष्ट्रीय हैं, विश्व के संदर्भ में मानवता है और मानवीय हैं। अमेरिका, अमेरिकन एक राष्ट्रीयता भी है, मानवता भी है, जापानी एक राष्ट्रीयता और मानवता भी है, ईरानी एक राष्ट्रीयता और मानवता भी है। इसी प्रकार से आर्य, भारतीय, हिंदू, हिंदुस्तानी और इंडियन, यह एक राष्ट्रीयता भी है, एक मानवता भी है। इसमें छेद करना यह विश्व का अत्याचार और अन्याय है, जो भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं करना चाहिए, विश्व के लोगों ने इसको होने नहीं देना चाहिए, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए कहा गया है नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, क्योंकि मैं और आप कभी गुलाम नहीं होते हैं,
जब देश गुलाम होता है तो हम सब गुलाम होते हैं, जब देश का झंडा झुकता है तो हम सब पराजित और हारते हैं। इसलिए देश स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हुए 47 में विभाजन के, देश स्वतंत्र हुआ था जिसके कारण हम सब स्वतंत्रता के और मार्ग पर चल पड़े। उस समय हम विदेशी गुलामी से देश बंधन मुक्त हुआ था, हम सबकी भी गुलामी चली गई थी। देश समृद्ध और सशक्त होता है तो हम भी समृद्ध और सशक्त होते हैं। इसलिए कहा जाता है नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट। इसलिए हम जिसमें जन्मे वही हमारी पहचान है, वही हमारा पालन पोषण है, जिसमें मरे वही हमारी गोद है। इसलिए ईश्वर के उस संसार से हम ईश्वर के संसार में माँ और मातृभूमि से आते हैं और मातृभूमि की गोद से उसमें चले जाते हैं। इस सत्य को सबने ठीक से साक्षात अपने जीवन में धारण करना, इसलिए कहा गया अखंड भारत संकल्प दिवस, कि वो भारत जो पूरा विश्व जानता और मानता था वो भारत क्यों नहीं होना चाहिए और वो जन क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हजारों लाखों मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को भी एड्रेस करते हुए भारत में कहता हूँ, आप वो हैं जो पूर्वजों से हिंदू थे, हम वो हैं जो पूर्वजों से भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं, आप वो हैं जो देश से, पूर्वजों से, परंपराओं से हिंदू थे, आज आप मजहब के कारण इस्लाम मतावलंबी, ईसाई मतावलंबी, बौद्ध मतावलंबी हो गए हैं, परंतु मेरी और आपकी और हम सब की जड़ एक थी, देश के रूप में एक थी, संस्कृति के रूप में एक थी, पूर्वजों के रूप में। इसलिए हम उसके रंग बिरंगे फूल तो हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, पर हमारी भिन्नता यह कन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस नहीं है, यह विविधता है। पहले हमारे पास 50 तरह की विविधताएं थी, आज 500 तरह की विविधताएं हैं, बट बाय रूट्स वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन, हम एक थे, एक हैं और एक रहना चाहिए। इसी में हमारा विकास है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, यह निश्चित रूप से है। इसलिए इसका एक बड़ा सार्थक नाम रखा गया है कि खोया जन और जमीन क्यों अपना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान 1947 में जन्मा, आजन्मा देश से, 71 में टूट बिखर गया, आज पाकिस्तान नाम से केवल नाम है, राजनीतिक सत्ता है, पर पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। वो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश, महाजरिस्तान, पंजाबिस्तान में है, उसका गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर यह भारत ज्वाइन करना चाहता है, एक्साइटिंग भी भारत ज्वाइन करना चाहता है। इसलिए अब राजनीतिक परिदृश्य में पाकिस्तान है, भौगोलिक परिदृश्य में लिखे जाने वाला पाकिस्तान है, आंतरिक रूप से, भाषाई रूप से, भौगोलिक रूप से, व्यवस्थाओं के रूप से, आज एक पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता है। इस राजनीतिक और भौगोलिक पाकिस्तान पर आज चीन का विकास के नाम, भारत के शत्रुता के नाम पर पूरा कब्जा है। कल हो सकता है यह भूगोल बिखर कर नया भूगोल बने, परंतु मैं आज आपके द्वारा सारे पाकिस्तानियों को अलर्ट करूंगा, भारत आपका मित्रवत है, आपका पालक है, चीन आपका संहारक है, पाकिस्तानी इस्लामी कट्टरता आपकी बर्बादी है, इसको समझिए और नए रूप में अपने आप की रक्षा करने के लिए आगे बढ़िए। इसी प्रकार से चीनी विस्तारवाद है, जो चीन की चार दीवारी से निकला, तुर्किस्तान का सिक्यांग, मंगोलिया का हिस्सा, कंपचूरिया का हिस्सा, साउथ यूनान का हिस्सा कब्जा किया, भारत को धोखा देकर पंडित नेहरू को किसी ग्लैमर में फंसा कर हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील में फंसाया, तिब्बत 25 लाख वर्ग किलोमीटर का हड़प लिया, उसके बाद ताइवान हांगकांग को हड़पना चाहता, उनको स्वतंत्रता नहीं दे रहा, नेपाल को और पाकिस्तान को भारत के विरोध में खड़ा कर दिया, इससे नेपाल का भविष्य अंधकारमय जाएगा। हमारा जो पूर्वी मलय सागर था उसको दक्षिणी चीनी सागर कहकर विश्व का समुद्र के मार्ग का सबसे बड़ा
व्यापारिक केंद्र जो है उस पर कब्जा करना चाहता है, दुनिया से लड़ा, COVID-19 जैसा जैव शस्त्र बनाया, करोड़ों संक्रमित हुए, लाखों को मौत के मुंह उतार दिया, सॉरी नहीं किया, सेनाएं लेकर विस्तार कर रहा है और आर्थिक रूप में सबकी आत्मनिर्भरता को कुंठित करके दुनिया पर आर्थिक साम्राज्यवाद फैलाना चाहता है। भारत ने उसका सतत विरोध किया है। मैं अंत में छोटी सी बात कहूँगा, अब देश के अंदर 2014 के बाद 19-20 में एक नए युग ने जन्म लिया है। जितनी भी इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ भारत थी और वर्ल्ड थी, नाउ दे आर चेंजिंग इन द अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी एंड ऑल अदर्स, वह पॉसिबिलिटीज में बदल रहा है। असंभव संभव हो रहा, राम जन्म स्थान का असंभव संभव हो गया, 370-35 का असंभव संभव हो गया, ट्रिपल तलाक का जाना असंभव से संभव हो गया, भ्रष्टाचार की तस्वीर क्या थी, पंडित नेहरू पंत प्रधान थे, 100 पर बटन दबता था, 65-70 जनता के पास जाता था, इंदिरा गांधी पंत प्रधान थी, 100 पर बटन दबता था, 45-50 जनता के पास जाता था, राजीव गांधी का जब 100 पर बटन दबता था तो वो स्वयं कहते थे 15-20 जनता के पास जाता है, आज जब गैस सिलेंडर पर बटन दबता है तो वह लाखों लाख परिवारों के पास जाता है, खर्चा भी नहीं करता है, जब 2-2 हजार पर तीन साल में 3 बार बटन दबता है सीधा 2-2 हजार जाता है, उसके ऊपर उसका खर्चा भी काटा नहीं जाता, 10-20 रुपए जो उसको भेजने का खर्चा वो भी काटा नहीं जाता, सीधा बैंक अकाउंट में जाता। ऑल मिडल करप्शन एजेंसीज साफ हो गई हैं और इसलिए यह असंभव भी संभव होगा, इसकी भी एक मूर्ति शुरू हुई है, परंतु पूरा रूप आने में अभी समय लगेगा। ऐसे ही COVID-19 जैव शस्त्र का, ये वायरस नहीं है, कीटाणु नहीं है, नेचर वायरस नहीं है, यह एक वायो वेपन है जिसका चीन ने दुरुपयोग किया है बनाकर, सैनिक शक्ति को भी भारत ने चुनौती दी है, आर्थिक शक्ति को भी चुनौती दी है, ताकि विश्व के सब देश अपनी अपनी स्वतंत्रताओं में बिना संघर्ष के जिए, मिलजुल कर जिए, ऐसा भारत बनेगा और ऐसा विश्व बनेगा। इसलिए संकल्प है, खोया जन जमीन यह फिर से अपना हो, उनके गणराज्य रहेंगे पर हमारे आपस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे, बाई लैंड, बाई एंसेस्टर, बाई कल्चर, बाई ट्रेडिशन, हम सब एक थे, एक हैं, एक हों। इसलिए लिंग भेद जाए, धर्मांतरण और धर्मांधता नहीं, धर्मों का सम्मान आए, छुआछूत की जाति कुरीतियां जाएं, हम सब भारतीय हैं, विश्व के अंदर हम मदर अर्थ के बेटे बेटियां हैं, भारत का भारत माता के बेटे बेटियां हैं, इस प्रकार के भाव से हम सब ओतप्रोत हों, इसका संकल्प लेना मुझे लगता है इससे पवित्र कर्म नहीं हो सकता, इससे पवित्र कार्य नहीं हो सकता, इससे पवित्र समय नहीं हो सकता। इसलिए 14 अगस्त को भारत के अंदर सैकड़ों सैकड़ों संस्थाएं इसको अखंड भारत संकल्प दिवस मनाती हैं, जो विस्तारवाद नहीं है, हिंसा नहीं है, कब्जा नहीं है, बल्कि जो भारत के संदर्भ में वह राष्ट्रीयता है, विश्व के संदर्भ में श्रेष्ठतम उच्च जीवन मूल्यों की मानवता है, इस प्रकार का एक दृश्य होना यह जरूरी है। इसलिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भरता का भारत मूल्य पूरे विश्व को, हर देश को आत्मनिर्भर और एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाला वाला बनाता, ना कि विस्तारवाद। अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खरीदेंगे, अपने का उपयोग उपभोग करेंगे, अपने के गुण गाएंगे, अपने की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। जब सारी दुनिया के देश इस पर चलेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, विस्तारवाद खत्म हो जाएगा, चीन की भी आर्थिक रूप से कमर टूटेगी। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखा दिया है, चीन के आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना और आत्मनिर्भर भारत में से आत्मनिर्भर दुनिया भर के देशों होने का। आत्मसमर्थ भारत का मतलब है कि चीन से एक एक इंच छीन लेंगे, क्यों नहीं, POJK हमारा था, हमारा है, हमारा होना चाहिए,
कैलाश मानसरोवर हमारा था, हमारा है, हमारा होना चाहिए, इसमें क्या असत्य है? नहीं है। और हमने इसमें संकोच क्यों करना चाहिए? एक मानवीय रूप में कि तिब्बत को, ताइवान को और हांगकांग को विश्व जनमत ने उनको देशों की मान्यता देनी चाहिए। यह जन आंदोलन बनना चाहिए, जन विचार बनना चाहिए। और इसलिए दुनिया में कब्जा नहीं, दुनिया के अंदर के हर संस्कृति, देश और समाज की स्वतंत्रता, स्वाभिमान, रोजगार, यह उसकी मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार भारत दिलवा सकता है, भारत ने दिलवाना चाहिए। इसलिए हम भी बढ़ना चाहिए और चीन को आर्थिक रूप से अभी रक्षाबंधन पर 4,000 करोड़ की चपत लगाई है। आने वाले कल में हम सारे धर्म से, जाति से, पंथ से, भाषा से, दल से, दलदल की दल से उठकर हम अगर एकजुट भारत बनाएंगे तो यही विश्व शांति और सद्भाव का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसलिए जाति भेद, मत पंथ के टकराव और हिंसाएं और लिंग भेद से ऊपर उठकर हम एक देश, एक जन, एक मान्यताओं और उच्च श्रेष्ठ मान्यताओं वाला भारत देख सकते हैं। इसलिए सभी असंभव संभव होने के युग का जन्म हुआ है। इसलिए मैं कभी कभी दुनिया के लोगों में, मैंने इस सारे 2.5 महीने में 70 के लगभग वेबिनार सेमिनार अटेंड किए हैं, 12 लाख से अधिक, 26 से अधिक देशों के लोगों के साथ संवाद किया है। संवाद 2 तरफा भी और 1 तरफा भी रहा होगा। सभी प्रकार के मुस्लिम से किया है, ईसाइयों से किया है, चिकित्सकों से भी किया है, विद्वानों से भी किया है, बौद्धों से भी किया है, अनुसूचित जनजातियों से भी किया है, युवाओं से भी किया है। आप सब विद्वानों के दर्शन करने का भी मौका मुझे मिला है। और इस प्रकार से करते हुए मुझे ये लगा, इस सत्य को निर्भीकता के साथ हम प्रस्थापित करें। इसके लिए हिंसा की जरूरत नहीं है, अपराध की जरूरत नहीं है, कूटनीति, चालबाजी और कुटिलता की जरूरत नहीं है। एक श्रेष्ठ मन और चरित्र लेकर हम करेंगे तो मुझे ये लगता है भारत महान बनेगा, विश्व में शांति और सद्भाव आएगा। जितने भी प्रकार के रक्तपात हैं उनसे भारत और विश्व, चाहे माओवाद, नक्सलवाद का हो, चाहे आतंकवाद का हो, चाहे जगह जगह अन्य कारणों से हो, उन सबसे मुक्त होगा। मुझे लगता है वी आर सो लकी, भगवान ने असंभव संभव होते हुए, बनाते हुए, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए और यह करो और इसको देखो, इसका सौभाग्य दिया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हम इस सौभाग्य को देखते देखते ही जाएं और यह सौभाग्य हमारे सामने साक्षात हो कि खोया जन खोई जमीन आएगी। भारत एक महान देश के रूप में प्रतिष्ठित होकर ही देखकर प्रभु से कहेंगे, उस समय उतना इच्छा शक्ति की मृत्यु का वरदान हमें जरूर दो, ताकि इस असंभवों को संभव होते हुए देखते देखते भारत महान, विश्व सद्भावपूर्ण और शांति वाला बन सके। इसका नाम है और अखंड भारत संकल्प दिवस। यह केवल भारत के लिए मनोकामना नहीं है, यह विश्व के सब धर्म, जाति, सभ्यताओं के लिए मनोकामना है। यह दिखता है भारत ने कोविड के खिलाफ 70% रिकवरी रेट कर लिया, जबकि अभी वैक्सीन की दवाई निकली नहीं और विश्व को उसने सप्लाई किया 150 से अधिक देशों को। इसलिए दुनिया कहती है, हे प्रभु, हे रचनाकारो, भारत ही वैक्सीन बना ले तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, भोगवाद नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। ये सारे देश मनोकामना कर रहे हैं। भारत इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप इन द वर्ल्ड फॉर द कंसोलिंग द वर्ल्ड, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है भारत में और विश्व में। यह भारत की मानवता का एक सच्चा रूप, हमने इसका दर्शन किया है, सब इसका एहसास करें। राजनीतिक कुटिलता और षड्यंत्रों वाले को कहूँगा, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे आज के दिन, ताकि हम उस महान भारत को अचीव कर सकें। आशीष जी, मैंने लंबा सा समय लेकर आपके अंतर्निहित कुछ और भी प्रश्न होंगे, जेठमलानी जी के भी होंगे, उनको कुछ कुछ एड्रेस किया है। अभी हमें उस तरफ की यात्रा प्रारंभ की है और करेंगे।
इसलिए घर घर में बच्चे से बुजुर्ग तक, महिला पुरुष तक, किसी भी धर्म जाति का हो, भाषा का हो, भूगोल का, उसके मन में इन बातों को ठीक से प्रतिष्ठित और प्रस्थापित करना, ये हम सबका एक महान कार्य है। और इसलिए वी आर ऑल आर थैंकफुल टू द गॉड कि हमें ऐसे संकट और असंभव पीरियड में उसने जन्म दिया, जब संकटों से मुक्ति, असंभव को संभव होते हुए के दर्शन करने का काम हम पिछले 1.5-2 साल से करने लग गए हैं, और इन्हीं असंभवों को मुक्त होते होते संभव 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 ये हम देखते चले जाएं, इसके लिए प्रभु का आशीष हम सब पर बरसे। जयतु भारत, जयतु विश्व, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी। वैसे तो सवाल पूछूं ऐसे कुछ चीजें बची नहीं, आपने पूरे परिप्रेक्ष्य में अखंड भारत संकल्प दिवस दिन की पूरी कल्पना भी रखी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आपने समय दिया, आपने पूरा समय दिया और पूरी तरह विषय को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे और सबसे एक अपील करूंगा, आज रात में ही एक मैसेज भेजाऊं, घर घर तिरंगा, एकता अखंडता की रक्षा। कुछ एग्रेसिव करना है तो घर घर तिरंगा लहराएंगे, पाक चीन को सबक सिखाएंगे, पर थोड़ा ये मोर एग्रेसिव है, परंतु हर घर पर, हर दुकान पर, पूरे मुंबई में, देश में, जहाँ जहाँ भी हो सकता है, कल लोग तिरंगा लहराने में संकोच नहीं करें, दुकानों पर, घरों पर, छतों में, खेत खलिहानों में। बहुत सही है, और मुझे लगता है आयोजक, इस नाते आयोजक भी इसकी चिंता करेंगे, और स्वाभाविक है कि घर घर पे तिरंगा रहना के लिए किसी की परमिशन की जरूरत मिलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और उसमें कोई रोक भी नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये संदेश हम जरूर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत इंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप आगे कार्यक्रम को बढ़ा लीजिए आप लोग। बिल्कुल आशीष जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, इंद्रेश जी के साथ आपने समय दिया, अपनी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, और मैं आप बुलाऊंगा डॉक्टर राम जवाहरानी जी को और शंकर ललवानी जी को। जब तक वो स्टेज पर आते हैं तो मैं परिचय करवा दूँ। डॉक्टर राम जवाहरानी बहुत बड़े विद्वान हैं, MA PhD सिंधी के अंदर, और केवल खुद PhD नहीं है तो ये 8 लोगों को PhD करवा चुके हैं और लगभग 400 लोगों को MPhil करवा चुके हैं, ऐसा उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि 3 किताबें लिखी हैं, चीफ एडिटर हैं, एडिटर हैं, कई लिटरेरी मैगजीन्स के, सहयोग फाउंडेशन, ग्लोबल सिंधी काउंसिल के चेयरमैन, सिंधु रत्न इंग्लिश हाई स्कूल के प्रेसिडेंट, और मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी के भी प्रेसिडेंट, कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी, ऐसे ये महान हमारे एकेडमिक हैं जिनको 8 नेशनल अवार्ड और इंटरनेश्नल अवार्ड मिल चुके हैं। श्री राम जवाहरानी जी का स्वागत है। श्री शंकर लालवानी जी, शंकर लालवानी जी बहुत एक उत्साही ऐसे सिंधी समाज के कार्यकर्ता हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के आप एक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष, इंदौर BJP के भूतपूर्व अध्यक्ष, इंदौर नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष, और कई संस्थाओं में 25 सालों से काम कर रहे हैं। 25 वर्षों से पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की समिति के राष्ट्रीय संयोजक और उनकी नागरिकता के लिए प्रयास करने वाले शंकर लालवानी जी, और उनको आज विशेष उनके लिए आनंद का दिन होगा, क्योंकि इस बार 15 अगस्त को वो जो काम कर रहे थे उसको CA के एक्ट के द्वारा सरकार ने उसको मान्यता दी, और ऐसे हजारों हमारे बंधु उसका लाभ उठाएंगे। संस्कृति और लोक संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और डॉक्टर राम जवाहरानी जी, आप अपना विषय रखेंगे, स्वागत है। सर, सबसे पहले तो समूरे पूरे भारतवासियों को आजादी की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई है। सर इंद्रेश कुमार साहब ने काफी कुछ पूरे इतिहास के पन्ने खोल के रखे हमारे सामने। मैं सिर्फ आज सिंधियों के विषय में बात करना चाहता हूँ कि जब ये आजादी का जो सूरज आया, उस सूरज ने ऐसी रोशनी दी कि सब चमक उठे सर,
आजादी की इतनी खुशियां थी, अपना वतन अपना देश आजाद हुआ है और वो खुशियां सूरज ने हमें बख्शी थी, हम भी खुश थे, सभी खुश थे। पर अचानक से हमारी तकदीर में कुछ मोड़ आया और हमें अपनी पुरखों की, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, हमारे उनके जो जन्म भूमि है उन्हें अलविदा करके हमें वहां से निकलना पड़ा। जबकि ये हमारे खून में नहीं था कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर हमारे देश का बंटवारा हो धर्म और मजहब के ऊपर। और इसीलिए ट्राई भी किया गया था, जिनाह साहब ने भी किया था सिंध असेंबली में, कई बार उन्होंने बिल लाए मगर वो पास नहीं करा पाए पाकिस्तान का। तो कहने का मतलब है वो सिंधियों के लिए जो है वो सूरज रोशनी जो आजादी का ले आया सबके लिए, हमारे लिए कुछ अंधेरा ले आया। ये बड़ा कठिन समय था, हमें अपने उस जमीन को छोड़ के और अनजान मंजिलों की तरफ निकलना पड़ा, बसों में, ट्रेनों में, पानी के जहाजों में, और हमें ये भी पता नहीं था कि कौन सी मंजिल कहाँ हम रुक जाएंगे। तो ऐसे दौर में हमें बड़ी कठिनाई ये हुई थी। हमने अलग अलग 96 जो कॉलोनीज खोली गई थी हमारे लिए, वहां का जो हमने जीवन देखा, अगर पीछे मुड़ के देखते तो हमारे बड़ों ने बहुत कुछ सहा है, वो ऐसा पीरियड कभी हम भुला नहीं सकते सर। और उसके अलावा मैंने एक बुक लिखी है ग्लोबल सिंधीस, जिसमें सिंधियों की पूरी कहानी है कि हमें क्या क्या तकलीफ हुई, ये बंटवारा क्यों हुआ, ये सब हिस्ट्री के साथ साथ उसमें उसको रिव्यू करते हुए हमारे सुनील दत्त जी ने कहा है कि भाई सिंधियों ने इतनी कुर्बानी दी है, सिंधियों का जो योगदान है, कुर्बानी जो उन्होंने, पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान में चला गया, पंजाबियों को आधा स्टेट मिला या हमारे बंगालियों को आधा मिला, बट सिंध पूरा का पूरा स्टेट पाकिस्तान चला गया। तो जब कभी भारत के आजादी का दिन हम सेलिब्रेट करें, उसको जश्न करें, तो सिंधियों के योगदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। ऐसे ही हमारे एक और विद्वान है पहलाज जालानी जी और उनके साथी जो है, इन्होंने कहा है कि भाई ये जो चीजें है वो जो उन्होंने वक्त जो गुजारा, जो वो पीड़ा देखी, तो और कोई अगर इसमें होता तो शायद उनके हौसले खत्म हो जाते, पर सिंधियों में एक न मरने का जो जज्बा था उन्होंने उन्हें जिंदा रखा और आज भी वो जिंदा है, अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से आज भी जिंदा है। और वो जो फेनिक्स जो पंछी है जो खत्म होता है मगर फिर अपने राख से फिर उभरता है, वैसे ही सिंधी उभर आए हैं और आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जो सिंधियों की सिंध जमीन चली गई तो हमने अपने भारत को पूरा अपना घर बना लिया, न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व को हमने घर बना लिया। तो सिंधियों ने जो भी खोया था मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें वो मिला है। बट मैं आज भी सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बाकी हमारे जो भाई बहन सिंध में रह रहे उनके ऊपर काफी कुछ उनको सताया जा रहा है, जुल्म हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है, वो सभी मीडिया में भी छपती है और हमने खुद आंखों से भी देखा है कि अब रिसेंटली साल डेढ़ साल पहले दिल्ली में जमुना नदी के किनारे पे 120 फैमिली सिंध से माइग्रेट होके आई थी शरणार्थी बनके। उन्होंने जब हमें बताया कि वहाँ कैसे कैसे जुल्म होते हैं, हमने उनको वहाँ रहने के लिए बिस्तरे दिए, मशीनें दी, बिजनेस करने के लिए सिलाई मशीनें थी, लाइट लगा के थी, सब कुछ किया। तो सरकारों से मुझे सिर्फ एक ही गुजारिश है आज की हमारी सरकार से कि वहां सिंध में जो हमारे भाई बहन जो भुगत रहे हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए और उनकी जो नागरिकता है अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधा की जाए। बस इतना ही मेरा कहना था। जो दर्द हमने, पीड़ा जो हमारे बड़ों ने देखा है, जो सहा है, उसका वर्णन तो हम नहीं कर सकते, बट भारत जो है उसके कण कण से हमें मोहब्बत है, उसके जरे जरे से हमें मोहब्बत है, हमारा देश है पूरा, हमने उसको सिंध बना दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम। और शंकर ललवानी जी किसी कारण से, टेक्निकल कारण से जुड़ नहीं पाए, तो मैं आगे स्वागत करता हूँ डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी का, जो कि डायरेक्टर है NCPSL यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, और PhD हैं, 9 लोगों को PhD करवा चुके हैं, 50 को MPhil के लिए गाइडेंस कर चुके हैं, 20 किताबें इन्होंने लिखी हैं और 25 साल इनका पढ़ाने का अनुभव है, और पढ़ाते ही नहीं तो बहुत कुछ लिखते भी हैं।
इनको गवर्नर का और वीसी का वाइस चांसलर का मेडल मिला है एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, और जापान और टोरंटो में रिसर्च पेपर्स पढ़ चुके हैं। ऐसे प्रताप पिंजानी जी हमारे सामने उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं हमारे आज के होस्ट, वास्तव में जो होस्ट हैं डॉक्टर अजीत मन्याल, उनका थोड़े परिचय करवाना चाहूँगा, क्योंकि स्वयं का परिचय करवाने वाले हैं नहीं, तो हम अवश्य कर सकते हैं उनका परिचय। तो अजीत जी को थोड़ा लाया जाए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। प्रेसिडेंट हैं बांद्रा हिंदू एसोसिएशन के, और उसको उन्होंने एक बड़ी संस्था बनाया है, बीजेपी जनसंघ के एक्टिव सदस्य सालों से, और तृतीय वर्ष शिक्षित यानी बिल्कुल गहरे गए हुए संघ के स्वयंसेवक, सिंधु दर्शन के 7 साल कन्वीनर रहे हैं, और इंटरनेशनल इंडस एक्सपीडिशन के 2 साल वाइस कैप्टन रहे, और सिंध यात्रा पाकिस्तान में भी सबको लेकर गए हैं, कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, और 30 बार पॉलिटिकल और सोशल कारण से जेल गए हैं, क्रिमिनल कारण से नहीं। तो ऐसे अजीत जी का स्वागत है और धन्यवाद, उन्होंने इतना बड़ा एक सारा यहाँ जोड़ लगाया। और अभी प्रताप जी अपना विषय रखेंगे, प्रताप पिंजानी जी। वंदे मातरम। रतन शारदा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे VIPs जो हैं जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, माननीय अंद्रेश जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, माननीय महेश जेठमलानी जी, माननीय डॉक्टर अजीत मान्याल जी, डॉक्टर राम जवारानी जी, और इस कार्यक्रम से हमारे एकमात्र सांसद महोदय जो हैं शंकर लालवानी जी, जो कि मिनी बॉम्बे से सिंधी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम से जितने भी हमारे दर्शक महोदय जुड़े हुए हैं उनको मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जिस टॉपिक को लेकर ये वेबिनार किया जा रहा है उसको मैं 2 दृष्टियों से देखने का प्रयास करता हूं। एक तो अखंड भारत दिवस की बात है और दूसरा सिंधु स्मृति की बात है। अखंड भारत आज 14 अगस्त के दिन ही पाकिस्तान का एक जन्म हुआ है और इस राष्ट्र के 2 टुकड़े हुए और जो कि धर्म के आधार पर हुए थे, लेकिन हम यदि हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें ये लगता है कि उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था किन कमजोरियों के कारण इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया वो बहुत अपने आप में एक दुखदायक है। और यदि हम बात करें सिंधी समुदाय की बात करें तो सिंधी समुदाय के अंदर ऐसा राजनीतिक नेतृत्व था जिन्हें इस बात की जानकारी पूर्व में थी कि 14 अगस्त को भारत के 2 टुकड़े होने हैं और धर्म के आधार पर होने, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सिंधी समुदाय के लोग हैं उनको बहुत ही उस दिन पीड़ा देखनी पड़ी। वो राजनीतिक जो सिंधी समुदाय का नेतृत्व था वो अपने आप को सुरक्षित करके पहले से ही पार्टीशन से पहले ही भारत में आ गया और अपनी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए उस इक्वेशन में लग गया। और जो हमारा बाकी का सिंधी समुदाय था उनको अपने समुद्र में बीच भंवर जाल में छोड़ के यहाँ आ गया। और सिंधी समुदाय ने इस दिन को आज मैं मानता हूँ कि एक बहुत काला दिवस था और सिंधी समुदाय को अपनी जड़ों से उखड़ के भारत में आना पड़ा, लेकिन सिंधी समुदाय ने पूरा अपने आप को भारत की संस्कृति, इस राष्ट्र की संस्कृति में अपने आप को समाहित कर दिया, इस संस्कृति को अपनाया और बिल्कुल पूरे राष्ट्र के निर्माण में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। इस दिवस को इस रूप में भी मैं मनाता हूँ कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहूदी उन्होंने ये एक संकल्प लिया था कि हम एक बार पुनः जेरूसलम में मिलेंगे, सिंधी समुदाय भी आज मैं इसको संकल्प दिवस के रूप में लेता हूं कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब ये सिंधी समुदाय वापस इस सिंध को प्राप्त करेगा। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जो वर्तमान में राजनीतिक नेतृत्व है बहुत ही एक सक्षम नेतृत्व है और विश्व परिदृश्य में इस राजनीतिक नेतृत्व ने अपना एक अमिट छाप छोड़ दी है और मुझे लगता है कि सिंधी समुदाय के जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों को प्राप्त करने में ये राजनीतिक नेतृत्व सिंधी समुदाय की बहुत योगदान करेगा। और हमें एक पार्लियामेंट के अंदर एक आवाज मिली है माननीय शंकर लालवानी जी से और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सिंधी समुदाय के साथ 14 अगस्त को जो अन्याय हुआ था उस अन्याय को
एक बार पुनः समाप्त करने का प्रयास किया जाए। सिंध जो हमारी नस नस में बसा हुआ है, एक बार पुनः उस सिंध को हमें सिंधी समुदाय को प्रदान किया जाए। हमारे सिंधी समुदाय के लोग जो हिंदू हैं, जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए इस भारत में आए थे, उस सिंधी समुदाय जो कि पाकिस्तान में रह गया, वो अभी भी बहुत परेशानियों में है। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं शंकर लालवानी जी से निवेदन करूंगा कि उनकी सिटीजनशिप को लेके या जितने भी प्रकार के अत्याचार वहां पे सिंधी समुदाय के हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, उसको यूएनओ में और राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं, उन मंचों पर सिंधी समुदाय की बात को रखना चाहिए। और इस बात का भरपूर समर्थन हमें, मैं अपेक्षा करता हूं कि पार्लियामेंट से भी हमें मिलेगा। बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री मिले हैं, बहुत सक्षम गृह मंत्री मिले हैं, वो एक अच्छा प्रयास करेंगे और सिंधी समुदाय को उन हितों और अधिकारों को प्राप्त करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे लगता है कि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमारे कई शहीदों ने, कई हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, और ये आज का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का, मैं उन सैनिकों को, उन परिवारों को डेडिकेटेड करता हूँ जिन्होंने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना भरपूर योगदान दिया। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस जो है एक राष्ट्रभक्ति से उत्प्रेरित गीत जो है मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा और उन वीर सैनिकों को नमन करना चाहूंगा। Each year, more than a million aspirants apply for the IAS exams, and only 1,000 odd realize that. Hello, आवाज आ रही है मेरी? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बात पन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। Thank you.
जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। उसने और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खेच दो अपने खून से जमी पर लकीर इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छून पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे। जय हिंद जय भारत। एक बार पुनः सिंधी समुदाय को मैं कहूंगा कि एक बार पुनः हम सिंध में वापस मिलेंगे इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत। सिंधी समाज का दर्द है वो बखूबी सबको याद कराया। जिए सिंध इस वादे को और इस विश्वास को फिर जगाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज याद करें हेमू कलानी एक तरुण स्वयंसेवक जो 1942 के आंदोलन में फांसी पर चढ़ गया जिसकी याद में हमने कई जगह स्मारक बनाए। मुंबई में भी स्मारक है, चेंबूर में, मेरा ख्याल है इंदौर में भी है, राजस्थान में भी है। तो ऐसे महान देश के सपूत को भी याद करें। और सिंधी समाज की विशेषता है कि इतने कष्टों के बाद भी सबसे अधिक शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिंधी समाज का इतना बड़ा सहयोग है जिसकी कल्पना शायद हमारे समाज को नहीं है। मुंबई के सारे टॉप के हॉस्पिटल सिंधी समाज के हैं। मुंबई के अंदर 43 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये सिंधी समाज की हैं। ऐसे समाज को मेरा नमन। और साथ ही मैं ये भी याद कराना चाहूँगा कि जो इतिहास को भूलते हैं इतिहास दोहराते हैं, तो सिंधी समाज का जो दर्द है ये जो नई पीढ़ी है उसको पता चले कि उनके पूर्वज किस कठिनाई में से गुजर के जिन्होंने जिनके नाम पे सिंध से हिंद बना ऐसे और हिंदू बना ऐसे महान समाज के जो कष्ट सहे उसको हम याद करें, राजा दाहिर को याद करें ताकि आने वाले समय हम सिंधु को फिर अपने साथ मिला सकें, तभी ये भावना जिंदा रहेगी। और मैं फिर स्वागत करता हूँ शंकर लालवानी जी का। शंकर लालवानी जी अब जुड़ चुके हैं, इंदौर से बीजेपी के MP हैं और इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर बीजेपी नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं और 25 वर्षों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। 10 वर्ष सिंधु सभा, भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा मंत्री और 10 वर्ष सिंधु दर्शन का अभियान चलाने वाले और पाकिस्तानी विस्थापित विशेषकर सिंधु समाज के लिए इन्होंने बहुत साल प्रयत्न किया और CAA आने का जो नया एक बिल आया है इसके लिए आपको विशेष रूप से बधाई, आपके प्रयत्न सफल हुए। और मैं उनको बुलाने के पहले सिंधी समाज को एक बात याद कराना चाहता हूँ जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कही थी, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की।
सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग जगमग। तो सिंधी समाज के कई गुण हैं और जो वीरता राजा दाहिर ने दिखाई, जिसके ऊपर आज भी हम गर्व कर सकते हैं, ऐसे राजा दाहिर को याद करके शौर्य को फिर जगाएं, समाज के लिए जो काम किया उसमें भी आगे बढ़े। इसके साथ ही शंकर लालवानी जी को मैं निमंत्रित करता हूँ अपने दो शब्द रखें। धन्यवाद सभी, मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा विलंब से शामिल होता रहा, लेकिन सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए 14 अगस्त जो हम सिंध स्मृति दिवस मनाते हैं, ये इसलिए मनाते हैं कि जब विभाजन हुआ था तो 14 तारीख को हमारा सिंध हमसे छूटा था। हमारा जन्म भले ही इस मातृभूमि में हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वजों का जो जन्म है वो अखंड भारत में हुआ था, और वो अखंड भारत 14 अगस्त को हमसे सिंध अलग हुआ। क्या परिस्थितियां रही होगी, इन परिस्थितियों में हुआ, ये आज कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही जो विभाजन हुआ उसकी जो त्रासदी हुई वो बहुत ही भयावह थी। मैं हर वर्ष यहाँ इंदौर में सिंध स्मृति दिवस के अवसर पर एक प्रदर्शनी लगाता हूँ, और प्रदर्शनी जो लगती है उसका भाव जो यही है कि जो हमारे पूर्वज विभाजन के समय यहाँ आए थे, किन परिस्थितियों में आए थे, उसकी पूरी जानकारी हमारे नई पीढ़ी को होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभी की पीढ़ी है उनको लग रहा है कि व्यापारी, चूंकि हम तो वर्ग कहाँ जाते हैं तो उनको व्यापार व्यवसाय जब स्थायी हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि हम सब ठीक ठाक है, लेकिन आज की इस स्थिति में आने के लिए कितनी विभिन्न परेशानियों के साथ हम आके यहाँ खड़े हुए हैं ये उस पीढ़ी जानती है। तो उस पीढ़ी के बारे में स्मरण करने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, और इस प्रदर्शनी में उन सभी चित्रों को लगाया जाता है जो विभाजन के समय हमने देखा कि जब ट्रेनें आई उस ट्रेनों में हमारे समुदाय, हिंदू समुदाय के लोग नहीं आए, कुछ ट्रेनों में लाशें आई थी, वो भी चित्र हैं जिसमें हमारे विभाजन के समय गिद्ध लाशों को खा रहे हैं। तो ये सब जब तक हम हमारी पीढ़ी को नहीं बताएंगे तब तक विभाजन की त्रासदी और 14 अगस्त का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आज जो ये कार्यक्रम रखा है उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सिंध स्मृति दिवस पर आपने जो कार्यक्रम रखा है वास्तव में नई पीढ़ी को जानकारी मिलेगी। वैसे सिंध का इतिहास हमारा बहुत ही पुरातन इतिहास है, हमारी सिंध की संस्कृति, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये बहुत ही सिंधु नदी, ये हमारी पुरातन संस्कृति अखंड भारत की। और आपने अभी सही कहा कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुगलों की लड़ाई सही और लड़ी और जीती सम्राट दाहिर सेन था, और सम्राट दाहिर सेन हमने राजा तो सुने होंगे, सम्राट अशोक के पास सम्राट दाहिर सेन थे कि उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी और जीती, वो तो जो हम सुनते हैं इतिहास में कि ऐसी परिस्थितियां बनी धोखे से उनकी हत्या हुई, नहीं तो आज मुगलों से परास्त हुए थे वो नहीं हो पाते। तो जो मुगल आक्रमण करते थे वो सिंध में सबसे ज्यादा सम्राट दाहिर सेन ने झेली, लेकिन उस शूरवीर सिंधी समाज को मैं प्रणाम करता हूँ, और सिंध स्मृति दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए यही कहूंगा कि सिंध भले ही अभी हमारे साथ नहीं है लेकिन उसकी स्मृतियां हैं। अभी हाल ही में कुछ लोग हमें मिले थे जो कि सिंध प्रदेश को आजाद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से सिंध प्रदेश आजाद हो, क्योंकि वहां जो हालात हैं उन हालातों को अगर हम देखें तो वहां पर हिंदू जिस प्रकार से, वहां के हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। और जो पाकिस्तान और हमारे देश के बाहर भी बहुत सारे सिंधी ऐसे रहते हैं जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं, और उनका ऐसा मानना है कि सिंध पाकिस्तान से अलग होना चाहिए, जिस प्रकार बांग्लादेश से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ उसी प्रकार सिंध भी अलग होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस भावना को लेके इस पढ़ा है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे सिंध
एक अलग प्रांत बनेगा और हम भी सिंध में जाएंगे और सिंध में जाकर वही पुरातन हमारी संस्कृति को याद करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। कल गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, कोरोना का समय है, हम भले उत्साह हम इस बड़े स्तर पर कार्यक्रम भले ही नहीं आयोजित करते होंगे लेकिन मन में उत्साह रखे छोटे छोटे कार्यक्रम अपने आस पास मनाए, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक प्रस्तुतिकरण के लिए। और आप जो एक मेला लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, मेरा ख्याल है कि सारे सिंधी समाज ने सारे भारत में फैला है, सब जगह लोगों के बताना चाहिए कि आज़ादी केवल नारे लगाने से नहीं मिली, आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हमारे बहुत बड़े समाज ने चुकाई है, हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही मैं स्वागत करता हूँ श्री सरल रोशन जी का। सरल रोशन जी एक बहुत मशहूर गायक हैं, सारे विश्व भर में अपनी गायकी के लिए घूमते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। अब उत्साही गीतों के साथ में सरल जी आज का दिन हमारे लिए शुभ बनाएंगे और जिस पवित्र दिन को हम याद कर रहे हैं, जिसका जिसके बारे में हम चाहते हैं कि ये अखिल अभी ये अखंड भारत का दिन बहुत जल्दी हमें देखना मिले, जिसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद में बदलती परिस्थिति बन रही है, ऐसे उत्साही वातावरण में अपने बलिदानों को याद करके और अपने दुखों को भूलते हुए सरल रोशन जी का हम स्वागत करते हैं। सरल रोशन जी स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं इस मुबारक मौके की सभी को बधाई देता हूं आज़ादी के पर्व की, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे अजीत मन्याल जी का जिन्होंने मुझे इस बेहतरीन क्षण के लिए, इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम के लिए मुझे याद किया। तो आइए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना रहा हूँ, किशोरदा का गाया हुआ और देशभक्ति गाना है ये इस प्यारे से मौके पर। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा, जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो भी जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। हम पहले भारतवासी फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी नाम जुदा है तो क्या, भारत माँ के सब बेटे है भाई, अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। अच्छा चलते हैं कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा, तुम कहती हो खत लिखने से क्या हासिल होगा।
तो खत के साथ रणभूमि से विजय का जो पैगाम आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। एक और प्यारा सा गीत मैं सुना रहा हूं और मनोज कुमार साहब के ऊपर फिल्माया गया था, महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ ये गीत है और आप सुनकर पहचान जाएंगे कि कौन सी मूवी है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ओ हो ओ हो ओ हो ओ, है प्रिय जहां की रीत सदा, है प्रिय जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रिय जहां की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, ओ जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, ओ जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं नित नित शीश निवाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ओ हो ओ हो ओ हो। इतनी ममता नदियों में क्या, जहां माता कह के बुलाते हैं, ओ इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं, ओ जिस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रिय जहाँ की रीत सदा, है प्रिय जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार अजीत भाई, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अजीत भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में मौका दिया, धन्यवाद करता हूँ आपका जी। बहुत बहुत नमस्ते। स्वतंत्रता दिन के पूर्व संध्या पर आयोजित अखंड भारतीय स्मृति दिन, या यूं कहे संकल्प दिन, आज हम सभी भाइयों बहनों ने देश विदेश में सभी ने मिलकर मनाया। मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय इंद्रेश जी, एडवोकेट महेश जेठमलानी जी, डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, एडवोकेट आशीष शेलार जी, डॉक्टर राम जवारानी जी, श्री शंकर लालवानी जी, श्री सुदेश भोसले जी, श्री सरल रोशन जी, और आज जो जिस कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर रतन शारदा जी। मैं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन को और साथ साथ में सिंधी पापड़ क्लब को भी धन्यवाद दूंगा, और सभी आप सभी भाइयों बहनों को मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम। और जैसे इंद्रेश जी ने कहा कि हर चीज असंभव को संभव करना, आज ये हर भारतीय के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान हुई है। आइए हम मिलकर कल अपने देश का स्वतंत्रता दिन मनाएं, लेकिन उसके पूर्व 73 साल पहले जो त्रासदी हमारे समाज ने देखी थी, एक गीत के रूप में, एक वीडियो के रूप में हम उन क्षणों को याद करें। आइए हम वो गीत सुनते हैं। वंदन था, वंदन था, उदासी वन था, वंदन था, वंदन था, वतन के छदीदा सबे साध सुखी, वंदन था लदीदा उम्मीद सगई, वंदन था पलीदा अल्लाह जाना करी कदम में लखीदा। वतन खजदा थी लदीदा वंदन था, यद पखी बाग पहेंजो छदीदा वंदन था, वो छदीदा वंदन था। छदे पुछब बे दिल आए कस जागरा, छदे शाह स्वामी जल पत जागरा, राजन का जो पूर सुदावन था, वो पक्की बाग पहे दो छदी दावन था, यद छदी दावन था। है पुता पुराना, है वतन जताना, किनारा अबाना यधाए छदा प्यारा प्यारा पुराण पखन के पतिदा वंदन था, वो पक्की बाग पहे दो छदीदा वंदन था, यद छदीदा वंदन था। लो बसन भोत रो वल परु शाह मेलो, खुदाई संदो दाग ये
गावन खाओ पक्की बाग पड़ेगो खरी गावन था ये खरी गावन था हर हर पका पुलाना हर हर वतन बखाना हर हर मिठा बना हर हर पका पुलाना हर हर वतन बखाना हर हर मिठा बना हर हर मिठा बना हर हर मिठा बना हर हर मिठा बना। हम सभी भारतीयों का जन्म हुआ, लेकिन मैं भारत माता से अर्चना करता हूं कि हम सभी की मौत अखंड भारत में हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।